ये तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस्कॉन टेम्पल में हमें समोसा भी खाने को मिलेगा। हेलो एवरीवन, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस धूप में क्या कर रहा हूँ। नहीं भी सोच रहे होंगे फिर भी मैं बता देता हूँ। तो मैं जा रहा हूँ स्टेशन, कुछ काम है मुझे वहाँ, और वहाँ से मैं जाऊँगा इस्कॉन टेम्पल। बस जाने का मन है, तो आज की व्लॉग शूट करूँगा, वो व्लॉग मैं आपको पूरा दिखाऊँगा। तो बने रहिए बस इस व्लॉग में। और यार कंसिस्टेंसी का सोचा है मैंने कि अपने व्लॉग्स में ज़्यादा से ज़्यादा कंसिस्टेंसी लाऊँगा। तो यार ऐसे धूप तो बहुत कड़ी है, तो धूप छाँव बारिश ठंड अगर ये सब देखने लग गए तो भैया कंसिस्टेंसी तो नहीं आ पाएगी। तो बस चलिए चलते हैं। तो थे हम साइकिल से, लेकिन धूप बोल रहा है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, इसीलिए साइकिल को यहीं छोड़ के ऑटो से जाएंगे। साइकिल यार ठंड में सही लगता है, ठंड में तो पूरा पटना नाप देते थे साइकिल से, लेकिन अब वो ठंड नहीं रहा, अब आ गई है गर्मी। और बाल का हाल देख रहे हैं आप, नहाने के बाद कुछ ऐसा ही हो जाता है, मेरा बाल एकदम डॉक्टर मशहूर गुलाटी टाइप। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और चलते हैं इस्कॉन टेम्पल। और इस्कॉन टेम्पल जाने का कोई ख़ास रीज़न नहीं है आज, बस जाना है, बस और कुछ नहीं, बस मन कर गया है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है इस्कॉन टेम्पल गए। तो बस जाएंगे, थोड़ा दर्शन करेंगे, घूमेंगे और आपको ब्लॉग भी दिखाएंगे। सब लोग मंदिर के बाहर बैठे हुए हैं और आज हमको पता चल रहा है कि पटना के बारे में मुझे कितना कम पता है, पटना की चीज़ों के बारे में। चलिए खैर, आपको हम आगे ब्लॉग में बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। देखिए भैया, मंदिर में घुसने के बाद जो सबसे पहला टेंशन होता है वो ये कि चप्पल जूता कैसे रखें कि चोरी ना हो। दोस्तों एक चीज़ जो यहाँ पे मुझे नहीं पता थी वो है यहाँ की टाइमिंग, जो कि दो टाइम खुलता है, सुबह 9 बजे से 1 बजे तक, और एक अभी शाम में 4 बजे से रात के शायद 9-10 बजे तक खुला रहता है। और ये मुझे नहीं पता था, अभी तक मुझे ये नहीं पता था, कितने शर्म की बात है। तो मैं यहाँ पे 3:30 बजे ही आ गया था, आधा घंटा मैंने बाहर वेट किया है और ये एक्चुअली खुला है 4:30 बजे, मतलब पूरा आधा ऑलमोस्ट 1 घंटा मुझे वेट करना पड़ा है। लेकिन जब मैं पहली बार यहाँ आया था इस्कॉन टेम्पल, तब से लेकर अभी तक में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, वो सब मैं अभी आपको दिखाऊंगा, बने रहिए ब्लॉग में। यार मंदिरों की वाइब ही एक अलग होती है, बाहर चाहे कितनी भी थकान हो, एक बार जब आप मंदिर में एंटर करते हैं, 5 मिनट वहाँ पे वक्त बिताते हैं, तो एक अलग सा सुकून तो फील होता है, ये तो मानना पड़ेगा। अब आई डोंट नो ये क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन बाहर इतनी गर्मी, इतनी थकान, और जैसे ही मैं मंदिर के अंदर आया हूँ, एक अलग सा वाइब फील हो रहा है, एक अलग सा सुकून फील होता है, एक अलग सी ठंडक महसूस होती है, बस मज़ा आ जाता है। यहाँ पे व्लॉगिंग तो भूल जाओ भाई, फ़ोटो लेना भी एकदम मना है, लेकिन जैसे तैसे मैंने शूट किया है। लेकिन आप लोग अगर आए तो ज़रूर ध्यान रखें कि यहाँ पे फ़ोटोज़ लेना स्पेशली अंदर हॉल में बिल्कुल मना है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है और सख्त मना है वहाँ पे फ़ोटो लेना, और अगर आप पकड़े गए तो आप डांट सुन जाएंगे। मैं बच गया, देखिए आप ध्यान रखना। इससे पहले कि गला सूख के एकदम बर्बाद हो जाए, हमें थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए। और इस्कॉन टेम्पल में अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो देखिए इस घर में आप पानी भी पी सकते हैं और यहाँ पे हाथ पैर मुंह भी धो सकते हैं मंदिर में एंटर करने से पहले। और यहाँ पे एक ग्लास भी लटकाया गया है। तो दोस्तों ये देख कर मुझे काफ़ी शॉकिंग लग रहा है, क्योंकि मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा है कि मंदिर के अंदर केक और समोसा मिल रहा है। तो चलिए थोड़ा करीब से जानते हैं इन चीज़ों को। तो ये है दोस्तों इस्कॉन टेम्पल का समोसा, एक समोसा है और साथ में चटनी है, और ये पड़ा है मुझे 20 रुपये का। ओह माय गॉड लवली, अभी टेस्ट करके आपको बताता हूँ कैसा है।
ये तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस्कॉन टेम्पल में हमें समोसा भी खाने को मिलेगा। तो चलिए टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा है। एक नंबर टेस्ट। और ये इमली और टमाटर की चटनी है जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मतलब 20 रुपया फुल पैसा वसूल है। और मंदिर का समोसा है तो बहुत ही हाइजेनिक और हेल्दी तरीके से बनाया भी जाता होगा, तो अगर आप लोग आए तो ज़रूर एक बार टेस्ट करें। मैंने अपना चप्पल जूता थोड़ी चालाकी से रखा था, तो आई होप यस एकदम वहीं पे है, एकदम जगह पे है गाइस, मज़ा आ गया। मंदिर से दर्शन करके आने के बाद जूता सही सलामत मिल जाए, इसकी जो खुशी होती है वो एकदम अद्भुत होती है। खैर मुझे मेरा जूता बिल्कुल सही सलामत मिल चुका है और मैं बहुत दिन बाद इस्कॉन टेम्पल आया था और काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। जब सबसे पहली बार मैं आया था तो इतना कुछ नहीं हुआ था, काफ़ी न्यू था, अभी काफ़ी कुछ आ गया है, काफ़ी कुछ बन गया। और समोसा तो भाई बेस्ट था, 20 रुपये में एकदम वर्दिक था। और अब मेरे ट्यूशन पढ़ाने का टाइम हो रहा है तो मुझे जल्दी से घर भागना पड़ेगा। मिलता है अगले ब्लॉग में, तब तक लाइक कर देना, कमेंट करके कुछ बता देना यार कैसा लगा ब्लॉग, और ऐसे ऐसे ब्लॉग्स देखते रहने के लिए, पटना से रिलेटेड ब्लॉग्स देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लेना।